يلا हेलो। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी तुमने अच्छी खबर सुनाई है खुशी की। अच्छा नहीं 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 नहीं, बस तुम सिर्फ मुझे बता देना कब और कहाँ ने, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। सुनती है अनीला? अरे सुन ना, कभी इसको अपने फोन को तो रख दिया कर, मेरी बात भी सुन ले। क्या है अम्मा? खालता का फोन आया था। पता है, एक ही बात की होगी। अरे नहीं पागल, अरे खालता कह रही थी कि लड़के वालों ने हमारी अनीला को पसंद कर लिया। लड़का अकलौता बेटा है, माँ बाप है और बस वो है। उसकी दूध दही की अपनी दुकान है, इतना पैसा कमाता है, राज करेगी तू। राज राज करना किसे कहते हैं? तू नहीं जानती अम्मा, अगर जानती भी होगी तो मुझे क्यों बताएगी? तेरा बस चले तो मुझे किसी से भी ब्याह कर अपने सर का बोझ उतार दे। ते पागल, तूने ऐसी बात सोच भी कैसे? बेवकूफ, सिर्फ तेरे ही लिए तो सोचती हूँ हमेशा। कैसे रुपया रुपया जोड़ के मैंने तेरे लिए जहेज बनाए, ये भूल गई क्या? जहेज? जहेज ऐसे कहते हैं? देखा है तूने, सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं दिया। अरे जिन डिजाइनर का हम सोच भी नहीं सकते ना कि उनके कपड़े ले सके हम कभी, वो डिजाइनर इनके घर में आके बैठे रहते हैं। हे अनिला, मैं तो तंग आ गई हूँ तुझे समझा समझा के। एक ही बात की रट लगाए रखती है, समझती नहीं है किसी बात को। चलो अम्मा गुस्सा ना कर, तुझे पता है ना तेरे सिवा मेरा है ही कौन, ना कोई भाई ना कोई बहन ना कोई सहेली, तुझे ही बोल बाल कर अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। अच्छा बता, क्या कह रही थी खालदा खाला? कह रही थी हमारी अनीला राज करेगी, राज। लड़का इतना कमा